अच्छा अच्छा अच्छा। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाइक सिर्फ 2344 किलोमीटर चली है भाई, ब्रांड न्यू बाइक है भाई, ये हो रखा है इस बाइक में। आप सोचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भाई, ये निंजा 1000 SX का ये हाल हो रखा है भाई, 2 किलोमीटर में ये हाल हो रखा है निंजा 1000 SX का। तो अब कैसे मैं उससे उम्मीद करूँ कि इसको लेके कहीं लॉन्ग राइड वगैरह पे जाऊँ, या 100 किलोमीटर की राइड पे भी नहीं जाने का भाई मैं सोच सकता हूँ इस बाइक से। तो मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भाई कावासाकी से, वाई मतलब आपने भाई 14 लाख रुपये लेके ऐसा क्यों किया भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मेरी बाल का हालत देख के एक बार समझ लो भाई कैसा खराब हो रखा है भाई, बाल को बहुत ज़रूरत है ट्रीटमेंट का। वैसे भाई इस वीडियो में आपको मैं ऐसा कुछ पेड प्रमोशन वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना मैं किसी चीज़ का प्रमोशन करना, मैं बस बता रहा हूँ भाई मेरे बाल के ना बैंड बजे पड़े, हेलमेट हेयर हो चुका है भाई पूरा देख सकते हो। और भाई आज सुबह से अपन कहीं भी नहीं गए, सुबह से घर पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था भाई, अचानक से मेरा मन किया क्यों ना भाई चल के निंजा 1000 SX को भी रात में राइड की जाए। एंड बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई लास्ट के लास्ट वीडियो में जो हमने डाला था 1000 पे, जो भाई चलान कटा है कि नहीं कटा है, क्योंकि बहुत लोगों ने आपने क्वेश्चन किया था। तो भाई चलान तो कट चुका है भाई उस चीज़ का, मतलब भाई हमने वहाँ पे 120 का स्पीड अराउंड क्लॉक किया था एंड उसको भाई इंटरसेप्टर में भाई रिकॉर्ड कर लिया गया एंड उसको भाई उसका चलान कट के फ़ोन पे SMS आ चुका है भाई। तो चलान कितने का था वो भी मैं बताता हूँ, ओवर स्पीडिंग का क्या चलान होता है, 2000 रुपये का आपका चलान कटेगा ओवर स्पीडिंग आप करते हो तो इट्स अपॉन यू भाई, अगर आपको 2000 पे करना है देन यू कैन गो फॉर इट, बट कोशिश करो भाई सेफ राइड करने का, बिना मतलब का रिस्क मत लो भाई, चलान क्यों पे करना अगर आप लोग सेफली राइड कर सकते हो। तो बिना लेट किए हम लोग निकलेंगे, बाइक को निकालते हैं, आपको आज रात में चेकआउट कराते हैं भाई कैसे भाई रात में राइड करने में लगती है निंजा 1000 SX। आप सबको पता भाई हम लोग तो ऐसे नॉर्मली अपनी गॉडजिला को भाई रात में भी राइड कर चुके हैं, दिन में भी राइड कर चुके हैं, लॉन्ग राइड्स भी कर चुके हैं भाई, तो ओवरऑल आप सबको पता है क्या सीन हो रखा है। बट अगर आप लोग बोलोगे भाई तो 1000 पे भाई एक शॉर्ट राइड करेंगे, मतलब 100 किलोमीटर के अराउंड का अगर आप लोग कमेंट डाउन करोगे तो, क्योंकि भाई गॉडजिला में ना भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा पड़ा है, आई यू गाइस नो दैट, पटना में भाई अभी बहुत ज़्यादा इलेक्शन को लेके भाई चेकिंग वगैरह बढ़ चुका है, तो भाई थोड़ा रिस्क नहीं लेते अभी अपन, क्योंकि भाई फालतू का भाई एग्जॉस्ट के लिए 5000 रुपये का चलान कटता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था हमारी गॉडजिला भाई पुलिस से पकड़ी गई थी, उसमें पुलिस वाले बता रहे थे भाई इस एग्जॉस्ट का सिर्फ चलान कटेगा तो वो होगा 5000 रुपये का। तो फालतू के भाई पैसे है नहीं मेरे पास, बहुत मेहनत से कमाता हूँ, तो 5000 रुपये पे नहीं करना है। तो बिना लेट के अभी निकलेंगे एंड एक चीज़ आपने नोटिस किया या नहीं, वीडियो का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि अब हम लोग भाई दूसरे कैमरा से व्लॉग करें जो कि सोनी Alpha 7 Mark 4 है, जो कि भाई सोनी अल्फा सीरीज का भी सबसे लेटेस्ट भाई कैमरा अल्फा 7 सीरीज का, काफी हैवी सेटअप है भाई, इसको उठाने में इतने देर में ही ना मेरी बैंड बच चुकी है एंड टाइम एक बार चेकआउट करो भाई 7 बज चुके हैं रात के, तो भाई समझ लो कितना अच्छा मजा आएगा। एंड विंटर्स में आप सबको पता है भाई रात में राइड करो, सुबह राइड करो, कभी भी राइड करो, मजा बहुत आता है क्योंकि भाई स्वेटिंग नहीं होती है। एंड अभी मैंने बेस लेयर वगैरह पहन रखा है, तो अभी हुडी को खोल के या फिर इसके ऊपर से जैकेट डालने क्योंकि ठंड काफी ज्यादा, तो जैकेट वगैरह डाल के गियर अप होते हैं फुल एंड उसके बाद सीधा मिलता है आप लोगों से ऑन बाइक एंड बाकी की बातें करेंगे ऑन GoPro। तो भाई लोग हम लोग हाथी को लेकर निकल चुके हैं बाजार में, आप चेकआउट कर सकते हो, ये रही हमारी हाथी। एंड पता नहीं क्यों बाइक ना ओवर हीट हो रखा है, देख लो इतना भाई भाई बहुत कम चला है फिर भी ओवर हीट शो कर रहा है। क्या भैया 1000 नहीं, H2R नहीं, निंजा 1000 है भैया, को लग रहा है ये निंजा 1000 नहीं बल्कि H2R है। क्या सर अभी निंजा H2R ऑर्डर किए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, भैया बोल रहे हैं निंजा H2R ऑर्डर कर रखे हैं भैया ने और अगले महीने इनकी डिलीवरी है। क्या ये बात सच है? रियांश कावासाकी से मैं पूछूंगा ज़रूर ये चीज़ कि भाई आप H2 की भी ऑर्डर ले रहे हो, भाई हमें बताया नहीं अभी तक, H2 की डिलीवरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। यार मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा ये बाइक हीट क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ चुका है भाई, यहाँ पे देख सकते हो इंजन चेक लाइट भी जल चुका है एंड यहाँ पे भाई ओवर हीट का साइन भी आ रखा है, और भाई जैसे ज़्यादा ओवर हीट होगा बाइक बंद हो जाएगी। तो पहले इसको लगाते हैं साइड में एंड एक बार रुक के थोड़ा देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। तो अभी अपन बाइक को रोके थे थोड़ी देर के लिए, भाई मिल गया, भाई से मिल के अच्छा लगा, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, ओके। एंड यार पता नहीं क्यों टेम्परेचर हाई शो कर रहा है, तो बाइक को बिल्कुल आराम आराम से ही चलाएंगे और कल इसे लेके जाना पड़ेगा इसके ससुराल, विच मीन्स कि भाई इसको लेकर जाना पड़ेगा हमें कावासाकी, वापस से कावासाकी लेकर जाएंगे एंड चेक कराएंगे भाई प्रॉब्लम आ किधर से रहा है, क्योंकि यार इस हाल में ना भाई इतनी ठंड है तब इसका टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, अगर गर्मी रहेगी तो भाई सोचो क्या हाल होने वाला है, गर्मी के टाइम में आप समझ भी नहीं पाओगे यार भाई नेक्स्ट लेवल हीट होगी ये बाइक, और फिर आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अभी देखो यार 101 डिग्री पे आ चुका है, फिर 102 हो गया, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अभी आगे चलते हैं, अगर वैसा हुआ तो भाई इस बाइक को वापस से ले जाकर घर पे लगा देंगे, कोई सेंस नहीं है भाई, फिर 104 भाई ये क्या हो रहा है यार,
लगता है गलत ही मैं लेकर इसे निकल गया, अपने को गॉडज़िला ही लेकर निकलना चाहिए था भाई। टेम्परेचर बढ़ किस तरीके से रहा वो तो देखो भाई, 107, 108, 109 भाई, 110 हो गया, और ऐसे ही करते करते भाई फिर से हाई हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो भाई इसको राइड करना अभी लग रहा है मेरे को बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि टेम्परेचर का इशू आ रहा है तो भाई आगे इशू आ सकता है। तो चलो भाई यहाँ से बाइक करते आगे से यू टर्न एंड वापस लेके चलते हैं। ये देखो आ गया हाई, समझ नहीं आ रहा भाई इतना स्लो। देखो बाइक का आपने देखा भी, मैंने बंद रखा थोड़ी देर, चेक किया भाई सारा कुछ ओके रिपोर्ट है, कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। टेम्परेचर 117, 118 भाई, इसको रोकने का कहीं पे लगाकर, और भाई इसको घर ना भाई बहुत मुश्किल से लेकर जाना पड़ेगा धीरे धीरे रुक रुक के, क्योंकि इतने हाई पे ना भाई बाइक कभी भी नहीं चलाना चाहिए अगर इस तरीके से हाई टेम्परेचर शो कर रहा है तो। यार मैं सोचा था निकल के व्लॉग करूँगा ढंग से, बट यार आज अपना दिन ही अच्छा नहीं है, वापस लेके जाते हैं फिर कोई और सा बाइक निकालेंगे यार, क्योंकि व्लॉग तो करना है आप लोग के लिए, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है डेली व्लॉग्स आएंगे भाई, हाई हो रखा है अब इसको, फिर कहीं आगे ऊपर रुक के थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे टेम्परेचर, फिर लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसे हाई पे चलाना बेवकूफ़ी होगा अकॉर्डिंग टू मी। यार इस बाइक में इतने फीचर्स है, क्विक शिफ्ट है, ऑटो ब्लिपर है, तब जाकर भाई ये ऐसे हीट हो रही है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्लच का यूज़ भी नहीं हो रहा तब जाकर बाइक इतनी हीट क्यों हो रही है। और ना मैंने कहीं पे रेव किया, ना कहीं ट्रैफिक में चलाया बाइक, ना अभी तक हमने इसे 100 के ऊपर ले गया भाई, 100 भी नहीं गया बाइक, और ये प्रॉब्लम आ रखा है निंजा 1000 TSX में भाई। मैंने सोचा बहुत अच्छी बाइक होगी, बट ये तो भाई बहुत ही बुरी निकल गई, मुझे ये उम्मीद नहीं था भाई इस चीज़ से, इस मशीन से खास करके। तो अब इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे तो रुकना नहीं चाहिए मुझे इस ओवर ब्रिज पर, बट कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास, साइड में भाई रोकना पड़ेगा, हज़ार्ड ऑन कर देते हैं और वेट करते हैं टेम्परेचर को लो होने का। ये चेक कर रहे हो भाई यहाँ पे हाई दिखा रहा है सारा भाई, इतना सारा भाई सब कुछ जल चुका है, पता नहीं यार बस ये सब जला है भाई, आगे कुछ अंदर वंदर में प्रॉब्लम ना आए वरना भाई बहुत पंगे हो जाएंगे। तो वेट करते हैं इसको लो होने का, देखते हैं कब तक वेट करने पे ये लो होगी, कितना टाइम लगेगा हमें इसे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बाइक सिर्फ 2344 किलोमीटर चली है भाई, ब्रांड न्यू बाइक है भाई, ये हो रखा है इस बाइक में। आप सोचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भाई, ये निंजा 1000 TSX का ये हाल हो रखा है, तो भाई 10R का क्या होगा आप ये सोचो। देखो अभी मैंने बाइक बंद किया तो टेम्परेचर डाउन आ रही है 118, फिर देखो कुछ सेकंड रुकने पे शायद 117 होगी, देखो ये होगा 117। तो ऐसे करते करते वेट करना पड़ेगा, 100 के नीचे आ जाएगी टेम्परेचर, उसके बाद फिर निकालेंगे बाइक को यहाँ से, एंड उसके बाद सीधा घर को रुकेंगे सो दैट कि भाई बाइक को जाकर लगाओ, एंड दूसरी बाइक लेके निकलेंगे क्योंकि व्लॉग करना अपने को। तो अब देखते हैं भाई इसमें टेम्परेचर कितनी आई है, 109 है भाई, चलो सीधा निकलते घर को, 108 हो गई, बट बाइक जैसे चलेगी मुझे पता है फिर वो बढ़ जानी है, तो जल्दी कोशिश करते घर पहुंच जाने का, क्योंकि टेम्परेचर ना बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। सोच लो भाई इतनी ठंड है यार इसमें भाई, ये बाइक हीट हो रही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ गर्मी के टाइम में सच बता रहा हूँ भाई बैंड बच जाना है, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम लॉन्ग राइड्स वगैरह पर आ गया ना भाई तो सोच लो क्या होगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ थैंक गॉड भाई ये अभी शो कर रहा, अगर भाई मैं इसको लेके कहीं राइड वगैरह पे निकल जाता ना तो पंगे हो जाने थे भाई। 107 से सीधा 109, देखो हर सेकंड ना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है इसका, और आगे ट्रैफिक भी मिलने वाला है भाई, तो फंसने वाले बुरा ट्रैफिक में अपन। आई थिंक वी आर लकी एनफ, वरना भाई इस वाले ब्रिज पर ना भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक होता है, अभी ट्रैफिक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हज़ार्ड हमने ऑन कर रखा है। तो भाई लोग फिर से भाई यहाँ पे 3-4 मिनट वेट करने के बाद बाइक का टेम्परेचर 114 पे ही गया, देख लो अब पता नहीं क्या होना है, जो होना देखा जाएगा यार। अब चलते सीधा घर को, जल्दी से पहुँचाते इस बाइक को अपने घर पे लगाते हैं, और उसके बाद निकालते कोई दूसरी बाइक, बैंड बच गया यार मेरे से ना, बहुत बड़ी गलती होगी इस बाइक को निकाल के। ओ शिट मैन, मुझे अगर पहले ये चीज़ पता होता, ये चीज़ पता नहीं थोड़ी देर के बाद पता चला मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई थिंक मैंने पहले अगर डैशबोर्ड पर देखा होता तो शायद उस टाइम भी दिख जाता, मैंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया था, जाने टाइम शायद लेट से हुआ होगा या पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट प्रॉब्लम तो देखो फिर से यार हाई हो गया यार, क्या ही बोलूँ। मतलब इतने देर में ना भाई मैंने 3-3, 4-4 बार बाइक को रोका है विद इन 2 किलोमीटर्स भाई, 2 किलोमीटर में ये हाल हो रखा है निंजा 1000 TSX का। तो अब कैसे मैं उससे उम्मीद करूँ कि इसको लेके कहीं लॉन्ग राइड वगैरह पर जाऊँ, या 100 किलोमीटर की राइड पर भी नहीं जाने का भाई मैं सोच सकता हूँ इस बाइक से, तो क्योंकि 2 किलोमीटर में इसने बैंड बजा दी मेरी। फिर से यार चेकआउट करो, फिर से यहाँ पे हाई हो गया, कावासाकी वालों भाई कुछ सुधारो इस बाइक में, क्या प्रॉब्लम आ रखा है।
अब तो ये कावासाकी जाके ही पता चलेगा, कल जाएंगे अपन इसको लेके कावासाकी। एंड इसका भाई प्रॉपर ब्लॉग ज़रूर आएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आ रहा है, सो दैट जो भी निंजा 1000 ओन करते हो अगर इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो उन्हें भी पता चल पाए कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। तो गाइस चलो बाइक स्विच करते हैं, उसके बाद मिलता है आपसे दूसरी बाइक पर। कौन सी बाइक चलाएंगे वो मुझे घर जाके पता चलेगा। तो भाई लोग ये चेकआउट करो, बाइक से ना कूलेंट ओवरफ्लो के गिर रही है। हैव अ लुक गाइस, ये रही कूलेंट, अभी बाइक को मैंने घर पे लगाया एंड अभी मैंने चेक किया भाई ओवरहीट हो रखी है। बाइक को लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं बट अभी भी भाई फ़ैन ऑन है एंड अभी देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। ये देखो पूरी कूलेंट गिर रही है। अच्छा हुआ भाई मैं वापस बाइक को लेकर घर आ गया, वरना भाई कुछ भी पंगा हो सकता था। तो कल इसको अब सीधा लेकर चलेंगे कावासाकी, उसके बाद ही पता चलेगा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इसमें। भाई लोग आ चुकी है आप सबकी प्यारी ज़ारा, काफ़ी टाइम हो रखा था ज़ारा पे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, आप लोगों ने कमेंट भी किया था ज़ारा किधर है ज़ारा किधर है। तो ये रही ज़ारा एंड इसको चलाने का अलग ही फ़न है, खास करके जब आप सिटी में राइड करते हो ना तो ये जो बाइक है क्या डोप चलती है, बिल्कुल इतनी लाइट वेट एंड इतनी मस्त ट्रैफिक फिल्ट्रेशन अपन इससे कर सकते हैं। ऑल दिस का लाइट जो है ना हेडलाइट वो काफ़ी वीक है, अभी अपन 1000 चला रहे थे, 1000 से सीधा 155 cc, बट एज यू गाइज नो दैट भाई इस बाइक से अपन जितना कनेक्टेड है ना उतना अपन सुपर बाइक से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से किया है एंड अपन कभी इन सब बाइक को नहीं भूल सकते, चाहे वो अपनी वैम्प हो अपनी ज़ारा हो, इन सब बाइक को अपन कभी भी नहीं भूल सकते। तो आप अगर बोलोगे कि चूज़ करो यार इन दोनों में कोई भी बाइक, मतलब आपको अपनी गॉडज़िला चूज़ करनी हो या अपनी वैम्प, तो आप सबको पता है हम अपनी वैम्प को ही चूज़ करेंगे। तो चलो अभी लेके निकलते हैं, थोड़ा भगाते हैं बाइक को। तो अभी आपने चेकआउट किया था यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि इस बाइक से कूलेंट वगैरह भी गिर रही है, और अगर यही हाल रहा भाई तो आप सोचो कोई भी इंसान भाई इतनी महंगी बाइक में पैसे क्यों लगाएगा। 14 लाख रुपए की बाइक लगभग आती है वो, तो सोच लो 14 लाख रुपए लगा कर अगर ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी भाई बाइक में तो सोच लो कितना मुश्किल होने वाला है भाई, जिनकी बाइक है वो सोचो कितना परेशान होंगे। तो ये चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दो एंड कावासाकी गाइस प्लीज़ आप इस पर वर्क करो, अगर कोई भी भाई देख रहा है कावासाकी से तो प्लीज़ यार इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो एंड देखो कि यार आपके कस्टमर ना इतने पैसे पे करके ऐसे बीच रोड पे कहीं अटक ना जाए। आपने देखा क्या हाल हो रखा था, मुझे तो कभी कभी लगता है उन सबसे अच्छी अपनी यही सारी बाइक से कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता भाई, ना उसमें कोई टेम्परेचर शो होता है ना कुछ भी। एंड एज सच भाई कम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ना भाई जो भी बाइक होती है वो बहुत बेस्ट होती है, रॉ बाइक्स आर बेस्ट मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे रॉ बाइक्स बहुत पसंद है। चलो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं, और मैंने ना अभी राइडिंग जैकेट वगैरह खोल दिया, मैं बस नॉर्मल जैकेट में आ गया एंड ग्लव्स भाई गलती से मैं छोड़ दिया भाई घर पर, बट कोई नहीं यार देखो अपन इस पर है ना भाई अगर वैसा भाई पूरा गेयरअप होके चलते हैं ना भाई तो नेक्स्ट लेवल गर्मी लगती है, क्योंकि ये बाइक ना उतनी स्पीड भागती नहीं है, दैट्स द रीज़न। और भाई लोग भाई बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, तो यही रीज़न था मैंने सोचा चलो। और मुझे एक और रीज़न से मैंने खोला है वो बता देता हूँ, अभी जाना है मुझे एक बर्थडे पार्टी में, तो अभी चल रहा है बर्थडे पार्टी में सीधा, भाई वेट कर रहा है 1 घंटे लगभग हो गए उसने कॉल किए थे, बट ये परेशानी आ गई यार मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी भाई। अपनी ज़ारा की हाल ना बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत गंदी हो रखी है। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे ना भाई इस पर डीकल्स लगवाने का, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर भी कुछ ना कुछ नया डीकल्स लगवा देते हैं। ऑल द एग्जॉस्ट अपन इसमें नहीं चेंज करवाने वाले, ना अपनी वैम्प में चेंज कराएंगे ना अपनी ज़ारा में चेंज कराएंगे, क्योंकि अब भाई सच बता रहा हूँ मुझे सिंगल सिलेंडर में अगर एग्जॉस्ट लगाने कोई भी बोलेगा तो मैं बोलूँगा नहीं आई एम सॉरी फॉर इट, क्योंकि ना मुझे वो साउंड अब उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। आई नो एक टाइम ज़रूर था भाई जब मैं सोचता था कि भाई एग्जॉस्ट लगाएंगे थोड़ा डिफरेंट साउंड आएगा, अब सबको पता है ना प्रॉब्लम होता है भाई एग्जॉस्ट से बाइक के इंजन हार्म होते हैं, तो मैं नहीं चाहता अपनी भाई ज़ारा का या फिर अपने वैम के इंजन को हार्म करना। तो जल्दी भाई ये देखो बाइक क्या भाग रही है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा यार इस बाइक को भगाने में जितना मज़ा आता है ना उतना कॉन्फिडेंस भी फील होता है, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट सी मशीन है कहीं भी आप लेके निकल जाओगे कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर बात करते हैं लॉन्ग राइड्स वगैरह की, तो भाई हमने इस पर पूरा सिक्किम ट्रिप किया था भाई, पूरा सिक्किम राइड किया था, दार्जिलिंग राइड किया था, तो आप सोच लो हर चीज़ के लिए भाई ये बाइक कैपेबल है। तो मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भाई कावासाकी से, वाई मतलब आपने भाई 14 लाख रुपए लेके ऐसा क्यों किया भाई, मतलब जो लोग इतनी महंगी बाइक खरीदेंगे और ऐसे परेशानियां झेलेंगे, आज तो मैं एकदम जम के भाई रोस्ट करने वाला हूँ इस चीज़ पे कावासाकी को, क्योंकि जब इतनी ठंड वाले टाइम पे बाइक इतनी ओवरहीट हो रही है, गर्मियों में भाई क्या होने वाला सोचो, बाइक में कहीं आग वगैरह भी लग सकती है अगर इतनी ओवरहीट होगी गर्मी में, तो आप सबको पता है गर्मी में तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जल जाती है, पता चला किसी दिन न्यूज़ आया कि सुपर बाइक्स में भी अब आग लगने लगी, फिर लोग बाइक ही नहीं खरीदेंगे। चलो जल्दी जल्दी भागाते बाइक को, अभी मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि
अपने जितने फ्रेंड्स हैं ना भाई, सारे लेजी हो रखे, किन्हीं को भी मन नहीं करता रात में निकलने का। ठंड है, सुबह बोलो सुबह ठंड है, तो भाई क्या चाहते हो? बाइक लगा दो घर में, गैराज में बंद कर दो एंड चाबी ले जाकर कहीं कम्बल के नीचे या पिल्लो के नीचे फेंक दो और भूल जाओ कि आपके पास बाइक भी है। बाकी ज़ारा हाथ में आते ही भाई आपको पता है एकदम अलग ही मज़े आते हैं इसको राइड करने के। यार आपने बहुत कमेंट किया था ज़ारा किधर है, ज़ारा किधर है। देखो ज़ारा को भाई हमने ले आया आप लोग के लिए, तो चलो करते थोड़ा ट्रैफिक फिल्ट्रेशन, भगाते हैं बाइक को एक्शन मोड। इन बाइक से ना जितना खेल सकते ट्रैफिक में ना, सुपर बाइक से भाई इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बाइक ना बहुत हल्की होती है, कम पावर होती है, तो साथ ही साथ इसको ना भगाने में भी उतना टेंशन नहीं लगता। मैंने सोचा था 1000 को भाई अच्छे से राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे भाई क्या कितनी कैपेबल है 1000। बट 1000 ने भाई बता दिया गो एंड राइड ज़ारा। ये ज़्यादा मतलब बोलो ना भाई किस्मत में लिखा था, आज आप लोग को ज़ारा पे ब्लॉग देखना था इसीलिए 1000 के नखरे हो गए। तो बस मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, बाय बाय एंड राइड सेफ राइड हार्ड।